हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अंजलि फ्रॉम टीम फॉर्मुलेटर इज हियर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी का है, लेकिन ये लेक्चर किसी मॉड्यूल्स का नहीं है, ये लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाए, जिससे हमें ये समझ में आया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या थे और उनका कैसे कैसे मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था। ठीक है, तो आपका जो पेपर रहेगा, भी बायोलॉजी का पेपर रहेगा, चाहे वो एमई का रहे चाहे वो सीई का रहे, ठीक है, कोई भी पेपर जो रहेगा उसमें बेसिक यही रहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, फिर डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, यूजुअली दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे तो 14 नंबर का हो जाएगा ये। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, तो 1-7 नंबर का, 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर 2019 में पहला क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन दिया तो बायोलॉजी में गया था, लेकिन ये बायोलॉजी का है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री से बॉन्ड एंगल्स वगैरह की बात की गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन वाटर मॉलिक्यूल द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर जॉइंड टू ऑक्सीजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ व्हाट। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल का जो संरचना है, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O। क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा? 1s2, 2s2, ठीक है, 2p4। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ये हो गया, और हाइड्रोजन का क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये तो कंफर्म है आपको। अब देखिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये चीज़ बेसिक है। अब देखिए, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा तो ऑक्सीजन के पास कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैसे हो गया? आप बोलोगे कि मैम 6 कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2s में और 4p में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जब होंगे इसके पास, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। ठीक है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की चाहिए आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की और। जबकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट। तो जैसे ही अब इसका ऑक्टेट और इसका ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है, तो इसका पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांस कैसे होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा और ये एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा और ये एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका? ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है? ये क्या है? ये लोन पेयर बचा रह गया है। ये क्या है? ये लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को कहीं ना कहीं पुश करेगा, या कहीं ना कहीं उसकी तरफ अपना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका एंगल होता है, ये जो एंगल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का एंगल होता है, वो क्या होता है? 104.5। ठीक है, 104.5, लेकिन आपके ऑप्शंस में 104.5 नहीं दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में 105 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जब आप ऑप्शन देखोगे तो 105 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन था, इन द वाटर मॉलिक्यूल द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर जॉइंड टू ऑक्सीजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ व्हाट डिग्री। किस डिग्री का एंगल बनाता है? तो 105 डिग्री का ये एंगल है। अगर आपको कंफर्म करना है तो 104.5 डिग्री का बनता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके क्लोजेस्ट जो है वो 105 रहेगा, आप यही मारोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2, 105 डिग्री। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन है, एंजाइम टर्म किसने कॉइन किया दिया था? ठीक है, तो एंजाइम टर्म जो था वो किन्होंने दिया था? सबसे पहले किन्होंने बोला था कि ये एंजाइम कुछ होता है? तो सबसे पहले तो एंजाइम है क्या? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं, लेकिन यूटिलाइज नहीं होते हैं। मतलब कोई भी, जैसे दो इंसान जब झगड़ रहे होते हैं, तो एक आदमी ऐसा होता है जो या तो उस झगड़ा को कम करने की कोशिश करता है, वो झगड़े में पार्ट नहीं लेता है, वो सिर्फ झगड़ा को कम करने की कोशिश करेगा, और एक इंसान क्या होता है, कोई झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम बस इतना ही होता है। कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन में
पार्ट तो लेता है लेकिन यूज नहीं होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में पार्ट तो लेता है लेकिन यूज नहीं होता है। तो एंजाइम का टर्म, जो एंजाइम होता है क्या है, बायो कैटलिस्ट होता है, क्या होता है, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। इसका इस टर्म का जो इस टर्म का बोलिएगा कि किन्होंने इस टर्म को पहली बार क्वाइन किया था या दिया था, तो दिया था किन्होंने, एफ डब्ल्यू कुन्हे ने, क्या दिया था, एफ डब्ल्यू कुन्हे ने, 1837 से लेकर के 1900 तक इनकी अवधि रही थी, इन्होंने एंजाइम के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है, ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है कि बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, एंजाइम्स को, प्रोटीन को, ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, एंजाइम्स को बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको घुमा करके आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ऐसा एंजाइम था, कौन सा ऐसा एंजाइम था जो कि प्योर फॉर्म में पहली बार क्रिस्टलाइन किया गया, कौन सा ऐसा एंजाइम था जो कि प्योर फॉर्म में पहली बार आइसोलेट किया गया था। तो आइसोलेट किया गया मतलब निकाला गया। देखिए, जैसे कभी भी कोई रिएक्शन या कोई भी चीज़ों की पढ़ाई शुरू होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ एक बार में ही देख लिया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ समझा जाता है, देखा जाता है। तो वैसे ही जो पहला एंजाइम था जो कि फुली आइसोलेट किया गया था, उसका नाम पूछा गया, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था यूरिएज, क्या था उसका नाम, यूरिएज। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, अभी भी आ सकता है, और एसएससी जब आप जेई वगैरह भरोगे या फिर और भी अदर एग्जाम्स भरोगे तब उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि एंजाइम्स, एंजाइम को क्या कहते हैं या बायो कैटलिस्ट किसे कहते हैं, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम का नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था, लॉक एंड की हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं करवा दूँ जो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आप लोग मे बी क्वेश्चन गेस करवा सकती हूँ या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आ सकता है, ठीक है, तो मैं उसकी भी एक कोशिश करूँगी कि एक आपको पीडीएफ दे दूँ या समझा दूँ, ठीक है। तो थर्ड का आंसर है, पहला वैसा एंजाइम जिसको आइसोलेट किया गया था उसका नाम क्या था, यूरिएज था, उसका नाम क्या था, यूरिएज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको शुगर नहीं कहा जाता है, इनमें से कौन शुगर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्टार्च, राइबोज, ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है। आपको क्या क्या दिख रहा है ऑप्शन पे, स्टार्च है, राइबोज है, ग्लूकोज और सुक्रोज है। सबसे पहले तो ये बताओ कि शुगर किसको कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुगर किसको कहते हैं, शुगर है क्या। देखिए, कोई भी मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोई भी मोनोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो उसी को आप शुगर कह सकते हो। तो अब आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, राइबोज इट इज आल्सो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड है। अब देखिए, ये सब तो हो गया, लेकिन अब सब बोलोगे स्टार्च, मैम स्टार्च भी तो ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर के नहीं बना हुआ होता है। बट लुक, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्या है ये, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब किसी चीज़ का कोई पॉलीमर होता है तो उसको हम शुगर के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज एंड राइबोज दे आर द शुगर्स, लेकिन स्टार्च ये ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है, लेकिन ये ग्लूकोज के बहुत लंबे चैन से बना हुआ होता है, मतलब इसमें बहुत सारे ग्लूकोज अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टार्च को हम शुगर नहीं कह सकते, इसको हम पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो फाइव है उस पर आप देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछ रहा है कि इन थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थ्री डोमेन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ट्रेडिशनल बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाएगा, ठीक है, ट्रेडिशनल बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाएगा, थ्री
डोमेन क्लासिफिकेशन में, ठीक है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको यू बैक्टीरिया में रखा जाएगा, क्योंकि यू कैरिया कुछ और है और आर्किया भी कुछ और है। यू कैरियोट्स आपका जो आप यू कैरियोट्स पढ़ते हो वो है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि तीन डोमेन सिस्टम में ट्रेडिशनल बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंदर रखा जाएगा? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला को क्या कहते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि फ्लैजेला क्या है और सीलिया क्या है। आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है कि सीलिया क्या और फ्लैजेला क्या, मैं फिर भी समझा देती हूँ, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है, दो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कैसे? माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है ना कि वी हैव अ फुल्ली डेवलप्ड लिम्स। हमारे पास लिम्स है, ये अपर लिम हो गया, ये लोअर लिम्ब है, ठीक है। एनिमल्स के पास भी दो लिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको चारों को चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनमें हमारे में क्या होता है कि दो चलने के लिए और दो हाथ हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं ना, उनके पास पैर हाथ नहीं होते, ठीक है, उनके पास पैर हाथ नहीं होते। उनके पास क्या होता है, या तो फ्लैजेला होगा या तो सीलिया होगा। सीलिया छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं ऐसे ऐसे। सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं, इसको क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे, ठीक है। और ये फ्लैजेला होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला और सीलिया क्या करता है, ये मूवमेंट में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये मदद जब करता है, तो अगर दो फ्लैजेला होगा, देखो सीलिया तो हमेशा बहुत सारे होंगे ऐसे, सीलिया जब भी होगा तो इतने होगा। सीलिया क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, फ्लैजेला के कंपेरिजन में देखो तो सीलिया छोटा, लेकिन दोनों काम किस में आते हैं, लोकोमोशन में, कहीं ना कहीं दोनों काम आता है, ठीक है। और फ्लैजेला जो है ये क्या करता है, फ्लैजेला भी लोकोमोशन में काम आता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली क्या होता है, ये काफी बड़ा होता है सीलिया से। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक फ्लैजेला है, क्या है, एक फ्लैजेला है, तो उसको कहेंगे मोनोफ्लैजेलेट। क्या कहेंगे? मोनोफ्लैजेलेट। अगर किसी में दो फ्लैजेला है तो उसको क्या कहेंगे? बाईफ्लैजेलेट। क्या कहेंगे? बाईफ्लैजेलेट। अगर किसी में तीन या तीन से ज्यादा है तो उसको पॉलीफ्लैजेलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लोफोट्रिकस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लोफोट्रिकस। इसका आंसर होगा क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला इज कॉल्ड लोफोट्रिकस। क्या कहलाता है? लोफोट्रिकस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ, देर इज ए पॉइंट कि कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्या मैम उससे इतना कंप्लीट हो जाएगा कि हम पास कर पाएँ? आप एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको या समझा रही हूँ, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको जब आपने पूरा चैप्टर, होल चैप्टर पढ़ लिया है, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, तो आपको एक आइडिया मिले, आपको एक समझ बने आपके कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ये सिर्फ उसी का नमूना है। इससे आप ये नहीं बता सकते हो कि नहीं, अगर हाँ मतलब ये पढ़ लोगे, ये 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़ने से आपका सिलेबस कम्प्लीट होगा, बिल्कुल भी आपका सिलेबस कम्प्लीट नहीं होगा। आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने होंगे और बहुत पूरे चैप्टर्स होगा, तभी आके जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ये चीजें कंप्लीट होगी। आप ऐप पे जाइए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे, जब तक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, आई एम सेइंग ऑन दैट विद एक्सपीरियंस, कि वहां पे कोई भी फायदा नहीं होगा। यहां पे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पढ़ने से और रट के चले जाने से वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन वहां पे भी रिपीट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेट ऑफ मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेट ऑफ मोबाइल फेज क्या होता है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी
क्रोमैटोग्राफी होता क्या है? गैस क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक होती है, ठीक है? गैस क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक जहाँ पे जो कि बायोलॉजी में यूज की जाती है सब्सटेंस को एनालाइज करने, कंपाउंड्स को एनालाइज करने में, ठीक है? एनालाइज करने के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है। इसमें दो फेज होते हैं, एक तो मोबाइल फेज होता है और एक क्या होता है, स्टेशनरी फेज होता है। क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है। तो अब ये क्वेश्चन के जरिए मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको नेक्स्ट भी, मान लो अगर अगली बार क्वेश्चन ये आ जाए कि गैस क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो आप ये आंसर दे पाओ, ठीक है? तो गैस क्रोमैटोग्राफी में आपका पहले तो देखिए कि क्वेश्चन है कि मोबाइल फेज क्या होता है, ठीक है? क्वेश्चन है कि मोबाइल फेज क्या होता है, तो मोबाइल फेज आपका होता है और स्टेशनरी फेज होता है। जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड फेज होता है, ठीक है? जो लिक्विड फेज होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, और जो आपका मोबाइल फेज होता है वो गैसियस फेज होता है, ठीक है? वो आपका गैसियस फेज होता है। तो याद रखिएगा, जो गैस क्रोमैटोग्राफी है उसमें मोबाइल फेज गैसियस फेज होता है, स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, लिक्विड फेज होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोबाइल फेज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट गैसियस फेज जो होता है वो आपका मोबाइल फेज होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो न्यूमेरिकल है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में देख लूंगी, ठीक है? जब लास्ट ये क्वेश्चन होगा, ये जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पहले देख लिया जाएगा कि वो कैसे बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिकेशन ऑफ ऑयल स्पिल इन द स्पीसीज ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट समझा नहीं होगा उन्होंने वहाँ पे कि क्वेश्चन कह भी क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कुछ अच्छे काम कर सकें, जैसे प्रोटीन बनाने में, ये सब काम में। तो आपने सुना होगा ना, अभी हाल में क्या हुआ था, मॉरिशियस में बहुत बड़ा एक जहाज जो था वो तेल लेकर के जा रहा था, और वो पूरा तेल क्या हो गया, वो समुद्र में जा गिरा, और उससे बहुत ज़्यादा मरीन एनिमल्स की मौत हो गई थी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहाज जो होता है वो तेल लेकर के जा रहा होता है, वो समुद्र में वो तेल गिर जाता है, तो उस तेल को जो समुद्र में मिल जाता है, वो समुद्र में चला जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि उस पर जीव जंतु पे असर ना पड़े, उसके लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक यूज़ किया जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? क्वेश्चन ये है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज ए स्पीसीज ऑफ, क्या स्पीसीज किसका है वो? इसका आंसर होगा थर्ड, सेडोमोनास। इसका आंसर है सेडोमोनास पुटीदा, ठीक है? जनरली यही यूज किया जाता है, लेकिन सेडोमोनास का कोई भी स्पीसीज यूज होता है, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो सेडोमोनास के यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आई का आंसर है द जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल इज अ स्पीसीज ऑफ सेडोमोनास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है? स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसका डेथ रेट होता है क्या है कि मरने की जो गति है, ठीक ना, कितने ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, ठीक है? तो जब स्पेसिफिक डेथ रेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो ln2/D, ठीक है? ln क्या है? ये log 2.303 log 2 है, ठीक है? तो स्पेसिफिक डेथ रेट आपका ये है। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर जो उसके बाद के 2, 3 और 4 डिस्कस किया जाएगा, तब तक के लिए आप ये जो लेक्चर है उसको देखिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पोस्ट इट ऑन द ऐप। ये लेक्चर सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपके क्वेश्चंस कैसे अराइज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ इसको पढ़ करके आप पास बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तो ये दिमाग में ये जो जिसकी भी गलत फहमी है बिल्कुल हटा दीजिए आप लोग। आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक दो चैप्टर छोड़ना अलग बात होता है, लेकिन अचानक से सिर्फ आप ये कोर्स पढ़ के, ये सिर्फ चैप्टर पढ़ के, या मतलब ये जो प्रीवियस ईयर पढ़ करके, ये आप पास नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ एक नमूना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, दैट्स इट, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करवाए जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टडी हार्ड, एग्जामिनेशन के डेट निकल गए, तो प्लीज़ थैंक यू।